पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। खेल नहीं चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरे अजीजों, नौजवानों, भाइयों, दोस्तों, फलस्तीन और गजा में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो हम सब पर कर्ज है। आज मौका है हम सब के पास कि हम फलस्तीन के लिए निकले, गजा के लिए निकले और उनके लिए कुछ करें। 2 मार्च की सुबह 9 बजे रफीक शाह चौक से फलस्तीन अमन मार्च का आगाज होने जा रहा है। ये मार्च मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा या जिस तरह भी आप इसमें शमूलियत कर सकते हैं, अपनी शमूलियत यकीनी बनाएं। हमारा साथ दें। सुबह 9 बजे हम यहां से आगाज करेंगे अपनी मार्च का। इंशाल्लाह 11 बजे के करीब हम पहुंचेंगे आरिफ वाला प्रेस क्लब, वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद हम बढ़ेंगे साहिवाल की जानिब। इसी तरीके से जोहर के वक्त हम पहुंचेंगे साहिवाल, साहिवाल प्रेस क्लब में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और तकरीबन इंशाल्लाह उकाड़े हम पहुंचेंगे 4 बजे के करीब, 4 बजे उकाड़ा प्रेस क्लब भी हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, वहां से रिनाला खुद। और उसके बाद इंशाल्लाह रात का क्याम हमारा होगा पत्तों की टूल प्लाजा पर। हर पाकिस्तानी को मैं कहता हूँ इस टाइम अपने अपने शहर में इन मकामात पर जमा हो, हमारा साथ दे, हमारे साथ आगे चले, ताकि फलस्तीन के हवाले से हम एक आवाज हो सके, एक आवाज बनकर इक्तदार में बैठे हम ऐवानों में जो मजे लूट रहे हैं उन्हें बता सके कि हम एक हैं। जो जुल्म इस टाइम हो रहा है फलस्तीनियों पर वो अब नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। पाकिस्तानी भूखे रह सकते हैं लेकिन अपने मजलूम भाइयों पर आप जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। पूरी रात का कयाम होगा पत्तों की टूल प्लाजा पर, आप वहां पर सब जमा हो। और मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह पत्तों की टूल प्लाजा से अगली सुबह 3 मार्च को लाहौर की जानिब बढ़ेंगे। लाहौर हम पहुंचेंगे और 12 बजे इंशाल्लाह लाहौर प्रेस क्लब हम हाजिर होंगे और अपना एहतजाज वहां रिकॉर्ड करवाएंगे। वहां से हम इंशाल्लाह 2 बजे माल रोड लाहौर पंजाब असेंबली के बाहर हम इंशाल्लाह अपने 5 नकाती मुतालबात अरबाब इख्तियार के सामने पेश करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मुतालबात जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए, ताकि हमारे गजा के मजलूम मुसलमान भाइयों का कुछ अजाला हो सके, उनके ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं वो खत्म हो सके। अपने जैसे नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माँ और बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मार्च में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिस तरीके से आप हिस्सा ले सकते हैं इस मार्च में शामिल हो, ताकि इस मार्च को कामयाब किया जा सके, मुतालबात को मंजूर करवाया जा सके और वो माएं, वो बहनें, वो नौजवान, वो बच्चे जो इस मार्च का हिस्सा किसी सूरत में नहीं बन सकते, काइंडली खुदारा वो घर बैठकर इस मार्च का हिस्सा बने, सोशल मीडिया कैंपेन करें, लोगों को बताएं, लोगों को उजागर करें, इस इशू को बढ़ाएं, ताकि लोगों को पता चले कि फलस्तीन और गजा में क्या हो रहा है। और मैं अपने माओ, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों से बहुत उम्मीद वाबस्ता रखता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद।